खुकुरी निर्देश शुरू करें उससे पहले खुकुरी और गोरखाओं के बारे में संक्षिप्त इतिहास बताना जरूरी समझता हूं। इतिहास गवाह है कि यह खुकुरी वीरों के वीर गोरखाओं का एक आधारभूत हथियार है, साथ ही यह कुल देवता का प्रतीक भी है। हमें अपने कुल यानी कि पूर्वजों का संस्कार और संस्कृति का सम्मान इसी हथियार के माध्यम से करते आ रहे हैं और जीवन पर्यंत चलता रहेगा। खुकुरी का उपयोग सन 1814 के एंग्लो नेपाल युद्ध से ही गोरखा सेना द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जिसके बदौलत अंग्रेजों ने गोरखाओं को अपने सेना में शामिल किया गया। गोरखा अपने साहस और हिम्मत के लिए विख्यात। आज तीनों देश नेपाली सेना, भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना में अपना योगदान देते आ रहे हैं। कभी भारत के सेनाध्यक्ष रहे फील्ड मार्शल सेन मानेकशॉ ने कहा था, इफ अ मैन शेयर्स ही इज नॉट अफ्राइड ऑफ डाइंग ही इज आइदर लैम और इज अ गोरखा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो यह या तो झूठा है या गोरखा। गोरखा सैनिक अपना महान पर्व दशहरा यानी विजयदशमी के उत्सव में इस हथियार का पूजा करते हैं। शक्ति के देवी दुर्गा माँ की बलि चढ़ाकर भोग दी जाती है। खुकुरी गोरखाओं का एक आदर्श चिन्ह है। यह गोरखाओं का आधारभूत और पारंपरिक जरूरी हथियार के रूप में ज्यादा प्रभावी खुकुरी विश्व भर में गोरखाओं का पहचान ही नहीं शान भी है। तो आइए अब गोरखाओं का एक प्रचलित बाजा मादल के ताल में हमें गोरखा के बहादुर जवानों द्वारा एक खुकुरी युद्ध कौशल नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हौलदार टीका बहादुर छेत्री। गाने के बोल हैं, मिली जुली आगे बढ़ो गोरखा दादू भाई। यह गाना उन वीर पूर्वजों को समर्पित किया जा रहा है जिन्होंने अपने मिट्टी को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान समर्पित किया था। बाकी नृत्य और गीत से धन्यवाद। जय हिंद, जय गोरखा।
I'm
ਕਿੱਥੇ
श्रीमती सहदा बेगम के बिहार में उनके बेटे इस पुरस्कार को स्वीकार करेंगे। श्रीमती कलिजा Thank you.
एक का एक शफीक कुरैशी थ्री जैकलाइन 12 जैकलाइन एक्सप्रेशन मैन लेट मोहम्मद यूनुस उनकी तरफ से उनकी वाइफ रफीका बेगम इस पुरस्कार का इस्तकबाल करें। एक्सप्रेशन मैन मोहम्मद शाहवार शाह थ्री जैकलाइन सालों से है और जो कदमा की जनता है जिसने 47, 48, 47, 65, 71 और 8 तक कंधे से कंधे मिलाकर चलती है। मैं आदरणीय जोशी साहब को यह बता रहा था कि यहां पर जो डेवलपमेंट है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तो होता ही है, साथ साथ हम फौज के सहायता से जो चीज कर सकते हैं वो हम आगे से आगे करने की कोशिश करते हैं। जहां हमें लगता है कि हम प्रयास करके उस क्षमता को बढ़ा सकते हैं तो हमारी कोशिश जारी रहती है। हमने इश्तेहार भी दिया है, आप लोग देखें, उससे जो यूथ है उसको रोजगार मिलने में, आप लोग जो बुजुर्ग लोग जो यहां पर मौजूद हैं अपने जानने वालों को अपने बच्चों को ये हिदायत दें कि ऐसी जगह जाएं अपनी स्क्रीनिंग करवाएं ताकि अगले साल जब मई में हो तो हम काफी लड़कों को यहां से तैयार कर सके। जब रोजगार आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तरक्की आएगी, तरक्की आएगी खुशहाली आएगी। अंत में मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोग दूर दराज से आए। मुझे आशा है और आशा ही नहीं बल्कि यकीन है कि आने वाले समय में हम यहां पर और इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे और साथ साथ जो रोजगार दिलाए, जो यहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल कराएं चीजें, उन चीजों पे ज्यादा योगदान रहेगा। जी, ये विजय दिवस आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम आज का, जो इसमें 3 पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक पहाड़ी कल्चर क्लब और एक करना का बैंड और AGS के स्टूडेंट, और ये पूरा स्पॉन्सर आर्मी का था। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, ज़बरदस्त, मतलब सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जो 1971 में जिन्होंने जंग लड़ी थी, जो वीर नारी थी उनको पुरस्कार किया गया ब्रिगेडियर की तरफ से, कमांडर की तरफ से और GOC की तरफ से।